अयोध्या श्री राम की नगरी जहाँ से शुरुआत हुई रामायण की, एक ऐसी कथा जो भारतवर्ष के इतिहास की पहचान है। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन भी थी और कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था, या ये कि रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से एक जानवर थी। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, रामेश्वरम से लेकर लंका तक, हर जगह रामायण की कहानियां हैं जिन्हें ये दुनिया सदियों से सुनती आई है, जिसमें अनेकों किरदार बसे हैं। रामायण में छुपे हैं कुछ अनकहे किरदार और उनसे जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। ऋषि विसर्व और राक्षसी कैकेसी की सबसे छोटी बेटी और रावण की बहन मीनाक्षी, इसे आगे चलकर शूर्पणखा के नाम से जाना गया। शूर्पणखा यानी लंबे नुकीले नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि शूर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण जी को देखकर उनकी ओर आकर्षित हो गए, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन्स के अनुसार इस आकर्षण की आड़ में छुपी थी बदले की आग, जो शूर्पणखा रावण से ले रही थी। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात थी, शूर्पणखा अपने भाई के खिलाफ चली गई। जब शूर्पणखा जवान हुई तो दानव दुष्ट बुद्धि के प्यार में पड़ गए। दुष्ट बुद्धि काल के दानवों का राजा था। उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। ये बात जब रावण को पता चली तो वो गुस्से से आग बबूला हो उठा, क्योंकि दानवों और असुरों के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही थी। रावण हैरान था कि आखिर दानवों को राजा होने के बाद भी दुष्ट बुद्धि शूर्पणखा से शादी कैसे कर सकता है, जो शूर्पणखा की आड़ में रावण की मृत्यु का षड्यंत्र रच रहा था। रावण ने दुष्ट बुद्धि के राज्य पर हमला बोल दिया और उसकी हत्या कर दी। अपने पति के मृत्यु होने पर शूर्पणखा बहुत दुखी हुई और इसी कारण उसके मन में अपने भाई के खिलाफ नफरत बढ़ने लगी। यही कारण था कि उसने रावण के मन में सीता जी को पाने की इच्छा जगाई, और रावण की मृत्यु और उसके परिवार के विनाश के साथ शूर्पणखा ने अपने पति की हत्या का बदला लिया। रामायण में शूर्पणखा की कहानी सीता माता के अपहरण से पहले ही खत्म हो जाती है, लेकिन श्री राम और रावण को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करने में शूर्पणखा का बहुत बड़ा हाथ था। ना ही वो रावण के सामने जाकर सीता जी की खूबसूरती का गुणगान करती, ना ही सीता जी का अपहरण होता, और ना ही लंका का ये भीषण युद्ध होता। रामायण का एक ऐसा राक्षस जो 6 महीने लगातार सोता था और फिर उठने के बाद 6 महीने लगातार खाता था, रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता क्यों रहता था? इसका कारण था एक श्राप। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के अनुसार जन्म होते ही कुंभकर्ण ने संसार में तबाही मचानी शुरू कर दी। वो हर रोज 1000 से भी ज्यादा जीव जंतुओं को खा जाता था। जब देवराज इंद्र को इस बारे में पता चला तो वो कुंभकर्ण को सबक सिखाने पहुँचे, लेकिन कुंभकर्ण इतना विशाल था कि उसने इंद्रदेव के वाहन ऐरावत का ही दांत तोड़कर इंद्र पर ही वार कर दिया। इस बात की शिकायत लेकर देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी समझ गए कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये संसार जल्द ही खत्म हो जाएगा। वो कुंभकर्ण के पास पहुँचे और उसे श्राप दिया, आज से तुम एक मृत इंसान की तरह सोते रहोगे। जब रावण को इस बारे में पता चला तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। उसने ब्रह्मा जी से कुंभकर्ण के श्राप को कम करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी मान गए और श्राप को 6 महीने के लिए सीमित कर दिया। अब 6 महीने सोने के बाद कुंभकर्ण 1 दिन के लिए उठता था और तब तक खाता था जब तक उसकी भूख मिट नहीं जाती, और फिर 6 महीने के लिए गहरी निद्रा में सो जाता था। कुंभकर्ण बहुत सारी शक्तियों के साथ जन्मा था, लेकिन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने के कारण इन शक्तियों के होते हुए भी वो केवल एक ऐसा राक्षस बनकर रह गया जिसका उदाहरण आज एक आलसी इंसान के रूप में दिया जाता है। तब तक एक राज की बात बताओ। हम हमारे चैनल पे बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस बनाते रहते हैं जिसमें बहुत मेहनत लगती है, तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। रावण की पत्नी और लंका की महारानी मंदोदरी, जिनका जन्म एक मेंढकी के रूप में हुआ था। रामायण के उत्तर कांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर और देवलोक की अप्सरा हेमा की बेटी थी, लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से कोई कन्या नहीं बल्कि एक मेंढक थी। एक बार मंदार और उदर नाम के दो ऋषि जो दूध पीने वाले थे उसको एक सांप ने जहरीला बना दिया। ऋषि मुनियों को मृत्यु से बचाने के लिए एक मेंढकी ने उनके दूध में छलांग लगा दी। उन दोनों ने बिना इस बात को समझे उस मेंढकी को श्राप दे दिया और वो एक सुंदर कन्या में बदल गई जिसे वेंगवती का नाम दिया गया।
वेंगवती की खूबसूरती के चर्चे चारों ओर फैल गए और उसे पाने के लिए किष्किंधा के राजा वाली और लंकापति रावण में युद्ध हुआ। दोनों ने वेंगवती को अपने पूरे बल के साथ अपनी ओर खींचना शुरू किया। रावण और बाली दोनों महाशक्तिशाली थे, तो अब आप ही सोचिए कि उनका बल कितना ज्यादा होगा। और इस खींचतान में वेंगवती का कोमल शरीर बीच से चीर गया और उसके शरीर के दो टुकड़े हो गए। तब यमराज और वायुदेव ने मिलकर उनके शरीर को फिर से जोड़ा और फिर ऋषि मंदार और उदर के नाम को मिलाकर उनका नाम पड़ा मंदोदरी। हमारे पुराणों में मंदोदरी को पांच कन्या में से एक माना जाता है। पांच कन्या द्रौपदी, कुंती, अहल्या, मंदोदरी और तारा, ऐसी पांच महिलाएं जिन्हें हमारे पुराणों में काफी सम्मान दिया गया है। भले ही मंदोदरी एक राक्षस की पत्नी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने हर पल रावण को समझाया कि अपनी जिद छोड़कर माता सीता को मुक्त कर दे। वो जानती थी कि भले ही रावण कितना ही शक्तिशाली हो, श्री राम से नहीं जीत पाएगा। लेकिन रावण अपनी बात पर अड़ा रहा और उसकी यही जिद उसकी मृत्यु का कारण बनी।